Press the bell icon and never miss an update from Bollywood Now. <laughs> wait, wait, wait. <laughs>

अगर अभी आपके रोंगटे खड़े नहीं हुए हैं तो आपके अंदर के इंसान को जगाना बाकी है अभी एक और बार एक और बार मजा नहीं आया जोरदार तालियां हो जाए फॉर लवली अटेम्प्ट द नीड ऑफ द आर आई थिंक वेमेंस डे अब हमें ट्वेंटी फर्स्ट ऑफ अप्रैल को मनाना पड़ेगा दैट इज द राइट डे टू एक्चुअली सेलिब्रेट वेमेंस डे और राइट सो थैंकफुली यहाँ पर एक ऐसी चीज़ दिखाई गई है जिस पर हम सभी लोगों का Uh, ध्यान देना बहुत ज़रूरी है आई होप यू गाइज विल सम टाइम ऑन द ट्वेंटी फर्स्ट ऑफ अप्रैल एंड द वीक आफ्टर दैट या उसके बाद हफ्ते भर दो हफ़्ते चार हफ़्ते या हमेशा के लिए लगे रहे मूवी आई होप यू गाइज विल फाइंड सम टाइम एंड गो एंड वॉच दिस फिल्म क्योंकि कानून तो अंधा है लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि क्या आप में वो हिम्मत है कि आप अपनी आँखें खोलें

इवन दो आई नो दैट यू नो द रीज़न वाई यू मेड दिस फिल्म इज कम्प्लीटली डिफरेंट लेकिन मेरे अंदर का जो मूवी प्रेमी है वो ये पूछना चाहता है आपसे कि नेशनल अवार्ड यहाँ पर एक और बार आपके हाथ आने वाला है आफ्टर दमन आई थिंक दिस इज इट दिस इज इट वट आर यू फीलिंग अबाउट इट इंटेंशन तो वो नहीं था लेकिन ज़रूर इंटेंशन वॉज के जिस थाट प्रोसेस से ये फिल्म बनी गई है कि कहीं ना कहीं सिचुएशन ऐसा है आज हमारे देश में कि एक वेकअप कॉल की बहुत ज़रूरत है जी um, आप स्टेटिस्टिकली देखेंगे तो हाथ से जो क्राइम है अगेंस्ट वेमेन वो कहीं ना कहीं बढ़ता ही जा रहा है okay. और क्राइम uh, बढ़ रहा है लेकिन जो हम लोग का हम लोग के लीडर्स पॉलिटिशियंस ज्यूडिशियल सिस्टम है उनका माइंडसेट नहीं बदल रहा है तो कहीं ना कहीं आई थिंक uh, इस मुकाम तक हैं कि लाइक आई सेड द इंटेंशन बिहाइंड दिस फिल्म वॉज के कहीं ना कहीं लोग थोड़े जागरूक हों कुछ मैसेज पहुँचे लोगों तक के इट्स टाइम टू एक्ट यू आर रियली चूज ही यू नो वैन इट कम्स टू फिल्म ना मतलब सालों साल हो रहे हैं हम आपको देख नहीं रहे हैं इज इट बिकॉज यू एक्चुअली वॉन्ट टू ओनली पुट फॉरवर्ड थिंग्स दैट यू रियली बिलीव इन एंड यू नो वो फ्रिविलेस समय निकल गया है जिंदगी से इज़ इट लाइक दैट फ्रिविलेस तो शायद कभी नहीं किया अबाउट माई वर्क जो भी आज तक किया है रिस्पेक्ट द बॉडी वर्क आई हैन Uh, कोई रिग्रेट्स नहीं है लेकिन हाँ ज़रूर सिलेक्शन uh, जहाँ तक के बात आती है कि यू हैव टू बैलेंस टाइम बिटवीन फैमिली करियर एंड बीइंग व्हाट यू आर योर वेरी एग्जिस्टेंस आई थिंक इट्स नेसेसरी कि कहीं ना कहीं एक uh, सही बैलेंस uh, uh, मिले एक इंसान को uh, जिस uh, uh, जो मैं कोशिश कर रही हूँ और उसके अलावा डेफिनेटली सिलेक्टिव होना मेरे लिए इस मुकाम पर हैज़ ऑलवेज बीन सेल्फ मेड डिसीशन कि uh, मैं ये नहीं चाहती हूँ कि हर हफ़्ता कोई पिक्चर लगे uh, ऐसी काफ़ी स्क्रिप्ट्स आते हैं बहुत स्टोरीज आते हैं जिनको हाफ द टाइम मैं मना कर देती हूँ बिकॉज इधर कर चुकी हूँ बीन दैट डन दैट लेकिन एज एन आर्टिस्ट के कोई ऐसी चीज़ आए आपके सामने जो आपको चैलेंज करे विच पुशज़ यू बियॉन्ड योर लिमिट्स और आप जिसमें बिलीव करें अगर मैं ही ऐसे एक टॉपिक uh, uh, को या ऐसे इशू को जिसमें मैं मैं बिलीव करती हूँ जिसको मैं आगे बढ़ाना चाहती हूँ मैं लोगों तक पहुँचाना चाहती हूँ जब मैं बिलीव करूंगी यकीन करूंगी तो शायद मैं आपको यकीन करवाऊँगा बिल्कुल बिल्कुल थैंक यू सो मच जैसा आप कह रहे थे बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है तो रियल लाइफ में मातृ की आपकी जो भूमि है भूमिका है एंड रियल लाइफ पे आई थिंक आप बैलेंस करके आगे बढ़ रही हैं थैंक यू सो मच विद दिस आई वुड आल्सो लाइक टू कॉल ऑन स्टेज और जस्ट टू जॉइन मी राइट है अंजुम <laughs> रिजवी so like uh, uh, right जी द प्रोड्यूसर ऑफ द फिल्म मनोज अधिकारी जी द को प्रोड्यूसर ऑफ द फिल्म एंड ऑल्सो अश्तर सैद जी द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म प्लीज 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 वाई नॉट प्लीज आई वु प्लीज टेक यूर प्लेसेज अंजुम जी आपसे भी मैं जानना चाहूंगी You know, there's no question about it, कि ऐसा एक जो टॉपिक है इसमें बिलीव कर पाना ज्यादा मुश्किल नहीं है आई एम श्योर कि आपको जब पता चला होगा यू वु इज अड ऑफ दिन एज अ प्रोड्यूसर आपके दिमाग में बाकी भी चीजें चल रही होती हैं सो हाउ डिड यू एक्चुअली डिसाइड ऑन टेकिंग अपजेक्ट सी द फैक्ट मीन फिल्म्यूसर पॉसिबल एंग The intent is ki these kind of films, these kind of subjects, uh, this have to be told, have to right. be, you know, uh, this is very important because if everybody thinks only in terms of commerce and in terms of yeah, but that is important definitely. But we have to, I have to say, tell the story. We have to uh, the mass, the like, see the, the way we have not tried to make this film as a very like kind of a niche product or you know, right. you know select it's like the entire country should and that is what is important. Yeah, that is important it is for so the masses exactly and the masses have to see this and maybe create that awareness and create that uh, which is the whole idea behind this film so we've seen it in the past and I'm sure you know this is going wala hai that you get the right stories uh, um, you know right across to the right audience thank you so much you. with this I open it to question and answers uh, the session is on now any questions from the media members can we roll the mic please हेलो रवीना जी Sorry, हाँ. आरती सक्सेना हाँ जी आरती जी <laughs> बहुत दिनों के बाद अच्छा <laughs> 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 मेरा सवाल ये था कि दिल्ली में सबसे ज़्यादा रेप केस होते हैं जबकि दिल्ली हमारी राजधानी है तो ये मतलब मुझे पूछना था कि आप इस बारे में क्या कहेंगे कि लाइक वहाँ पे ही सबसे ज़्यादा कानून नहीं है Uh, okay. देखिए जी ये नहीं कहना चाहूँगी कि वहीं कानून नहीं है मतलब पुलिस बहुत वीक है वहाँ पे। बॉम्बे की पुलिस ज़्यादा नहीं है। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है आई uh, थिंक uh, uh, क्या होता है कि हर स्टेट की अगर आप स्टेटिस्टिक्स लें तो ज़्यादातर uh, ये देखा गया है कि के ऐसे केसेस हर स्टेट में होते हैं हमारे पूरे देश में हो रहे हैं uh, जो आजकल नज़रिया जिस पे आया हुआ है वो जो सबसे भयानक दो तीन जो केसेस हुए जो न्यूज़ और मीडिया में इतनी अटेंशन मिली अनफॉर्चुनेटली वो दिल्ली से आए यू you नो know? तो या तो आप कहेंगे अवेयरनेस शायद ज़्यादा है वहाँ पे कि वो रिपोर्टिंग ज़्यादा होती है लेकिन स्टेटिस्टिकली ये तो प्रूव नहीं किया गया है कि कौन से स्टेट में क्या क्राइम ज़्यादा है पर हाँ ज़रूर ये है कि ताज्जुब लोगों को ज़्यादा इसलिए होता है दिल्ली के कि हमारी पूरी पोलिटिकल लीडरशिप जो सेंटर है वो वहाँ पे है इसलिए शायद दिल्ली ज़्यादातर फोकस में है नहीं तो आई डोंट थिंक देर इज के दिल्ली में ज़्यादा है या मुंबई में ज्यादा है या इधर कम है या उधर कम है र, रवीना जी इधर राइट साइड में तो आपके हिसाब से रोकने के लिए क्या मतलब आप क्या बदलेंगे कि लाइक रुक जाए ये कम हो जाए या तो एटलीस्ट ये देखिए पहली बात तो जो माइंडसेट है वो लोगों का बदलना बहुत जरूरी है ज्यादातर ऐसे हादसों में देखा क्या है कि जो ज़ख्मों पे विक्टिम्स के ज़ख्मों पे निमक छिड़कने वाली जो बातें होती हैं उसके बाद जो कमेंट्स आते हैं कि वो लड़की जीन्स क्यों पहनी थी या उसने स्कर्ट क्यों पहना था या वो साढ़े नौ बजे टेनिस खेलने क्यों गई थी तो ये दे आर शेमिंग द विक्टिम मोर ज़्यादातर या तो ये बोलें कि नहीं ये हमारी बेटियाँ हैं हमारी बहनें हैं एंड वी अपोलोजाइज एज पोलिटिकल लीडर्स के वी फेल टू प्रोटेक्ट दम हमारी हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम उनकी रक्षा करें और हम फेल कर चुके हैं हम इसके लिए शर्मिंदा आगे से ही देखेंगे नहीं हो पहले तो ये माइंडसेट बदलना बहुत ही ज़रूरी है लोगों का ज़्यादातर ये भी बहुत ज़रूरी है कहीं ना कहीं हम औरतें भी सोचें कि जो हम बच्चों को बेटों को और लड़कों को जिनकी परवरिश कर रहे हैं उनकी हमारी भी ये जिम्मेदारी होती है कि उनको बचपन से सिखाना कि जो वीकर सेक्स है या जो थोड़े अबला हैं उनकी रक्षा करना उनको प्रोटेक्ट करना उनकी मदद करना ये नहीं कि उनको बुली करना या उनको नीचा दिखाना तो ये कही न कहीं ना कहीं परवरिश के ऊपर भी होती है बात कि बचपन से आप अपने लड़कों को सिखाएं कि जो महिला आपके बगल में बैठी है वो किसी की बहन है किसी की दो आपकी दोस्त है वो किसी की बेटी है या किसी की माँ बन सकती है तो ये लड़कों में भी बचपन से डालना कि आप आदर करना सीखिए यू नो रिस्पेक्ट पहले से ही करना सीखे दिस इज ऑल नेसेसरी सो दिस द बेसिक माइंड जब तक ये नहीं बदलेगा तब तक एक्शन में नहीं लेंगे लोग और ऐसे ही चलता रहेगा कि अरे ये तो दूसरे घरों में होता है हमारे घर में तो आज तक नहीं हुआ ये तो हम क्यों परवाह करें ये बात नहीं है सबकी बेटियां हैं सबकी बहनें हैं सबकी माएँ हैं तो कही कहीं ना कहीं दिस हैज़ टू स्टार्ट इवन फ्रॉम अस फ्रॉम विमेन वी कान ओनली ब्लेम द मैन अलोन जिन घरों में ऐसे लड़के हैं जहाँ देख रहे हैं कि अगर प्रॉब्लम है यू हैव टू पुट योर फुट डाउन टेल them नो दिस इज रॉन्ग आप अपनी एटीट्यूड बदलिए पहले सो आई फील कि जब तक ये नहीं होगा तो कहीं ना कहीं हमारा जुडिशल जो सिस्टम है जो लॉ सिस्टम है उसको भी कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी है कि हम ऐसे चेंजेस और ऐसे थोड़ा बहुत बदलाव लाएं जो लोग लॉ से डरने लगें आजकल ऐसे लगता है कि इनको परवाह नहीं है किसी को लॉ का डर ही नहीं है आप इतने ब्लेटेंट केसेस देखेंगे अभी जो हाल में मैंगलोर में भी हुआ यू you नो know? उनको डर ही नहीं था किसी को लॉ से डर ही नहीं था वो ठीक है तीन चार महीने अंदर जाएंगे बेल पे छूट जाएंगे क्या है आपने कहा कि मैं सब आवा तक पहुंचाना चाहती अपनी फिल्म जी. क्या आप कानून में भी अमेंडमेंट देखना चाहती कि कुछ सख्ती की जाए ऐसा कुछ कानून में बिल्कुल सख्ती होना जरूरी है वो समय आ गया है हम लोग वही लॉज पे चल रहे हैं जो सत्तर साल पहले और अस्सी साल पहले वो जमाना अलग था आज की दुनिया बहुत बदल गई है इट्स बिकम अ डेंजरस वर्ल्ड एंड इट्स नॉट ओनली फॉर आर चिल्ड्रन इट्स फॉर द फ्यूचर जनरेशन वॉट काइंड ऑफ अ वर्ल्ड आर वी लिविंग बिहाइंड फॉर आर फ्यूचर जनरेशन तो समवेयर द लॉज हैव टू चेंज टू वर्क विथ टूडेज टाइम विथ टूडेज डेंजरस टाइम बिकॉज ऐसे मतलब आप ही देखिए कहीं ना कहीं uh, मुझे तो बदलाव नज़र नहीं आ रहा है यू नो चाहे गवर्नमेंट्स बदल गए लेकिन जो जो क्राइम अगेंस्ट विमेन है उसमें तो बदलाव आया ही नहीं है सो समवेयर इट हैज़ टू स्ट्रेंथन ये बात लोगों तक पहुंचनी चाहिए कि बहुत हो गया अब कितनी रोज़ हम पेपर पढ़ते हैं अभी सोचते हैं चलो भैया एक और हो गया हादसा नेक्स्ट डे एक और हो गया नेक्स्ट डे एक और हो गया पर रुकेगा कब और लड़कियों के लिए कुछ मैसेज आप देना चाहेंगी पहनावा या एक्सपोजर वो भी ज़्यादा अटैम्प्ट करता है अभी के लिए अभी वही बात आपने कही जो मैं बहुत कम शब्दों में कहना चाह रही थी कि यही एटीट्यूड बदलना ज़रूरी है आप मुझे बोलिए आप लोग ने पढ़ा होगा पेपर में छः महीने की बच्ची का रेप हो गया तीन साल की बच्ची का रेप हो गया छः साल की बच्ची का रेप हो गया पाँच साल की बच्ची को रेप करके गटर में फेंक दिया क्या मर्डर करके क्या उन्होंने ऐसे कपड़े और ऐसे एक्सपोजर किया था उसका क्या एक्सक्यूज है उसका क्या एक्सक्यूज देंगे लोग सो इट्स अ प्लेन एंड सिंपल फैक्ट कि माइंडसेट बदलना है रवीना जी य yeah. uh, हम यहाँ पे महिलाओं के लिए कानून बदलने की बात कर रहे हैं कानून पे सख्ती की बात कर रहे हैं महिलाओं के दिन बदलने की बात कर रहे हैं ऐसे में ट्रिपल तलाक को किस तरह देखती हैं तीन बार तलाक बोला और बात खत्म हो जाती है सी बेसिकली जो जिस फिल्म की हम बात कर रहे हैं मात्र दिस बेसिकली डील्स अगेंस्ट वायलेंस अगेंस्ट वीमेन विमेन्स राइट्स इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट इशू सो व्हेन वी मेक अ फिल्म ऑन दैट देन यू आस्क मी दिस क्वेश्चन हाय मैम हियर टू योर लेफ्ट जस्ट इन योर। मैम इन द फर्स्ट पोस्टर वॉज आउट ऑफ पीपल सेट दैट दिस इज अ पावरफुल रिटर्न ऑफ रवीना एंड रवीना इज बैक Uh, and from where? <laughs> that's what, that's what <laughs> I'm coming I'm <laughs> yeah, as in As an actress who's been part of the industry for more than two decades, how do you react to the term comeback? You know, I find that a very strange term because nobody uses this kind of a term, a term internationally, honestly. Uh, because I think uh, everyone becomes selective after a while, you know. And I was uh, uh, in that, I've I worked also in, in the 90s where we used to do 30 films at a time. But the whole trend has changed, you know. Now, if I have reached a point as an actor where I will do a film which I believe in, you know, I've actually done a couple of films in the middle. I did a Shobna Seven Nights, which was made only for festivals. It did very well. It won a couple of awards in Houston and Chicago, uh, the international film festivals. I have just completed his Shab, uh, so I don't see myself going anywhere. I've been on. I've been working on TV all along. It's just that the choice of film that you make and you decide okay this is what I want to be associated with after a while and which is challenging enough for you and that is where I feel even now after I do Matra and after I've done Shab I don't know when again I'll do a film again so how many times will I make a comeback? <laughs> so it's like you know. Right. Also there were reports that Rahat Fateh Khan will be featuring in a promotional video perhaps considering that the times that we're living in there is there's a ban on Pakistani actors and artists. How do you take it forward. Um, you know, that's a question that the producers will answer, but as far as i'm concerned, on a personal level, i feel art, culture, music, um, has no boundaries. Uh, music is something that flows from within, has no walls. You can't, you can't conceal it. once the sound, the musical notes are out, you can't close it up. Uh, to the producers, the same question. i mean, uh, do, will we see a video featuring rahat Fatali khan? वेल इट वी वेरी आइडियल इफ यूड बट अनफॉर्चुनेटली एट दॉट हैलो रवीना जी yeah, yeah, yeah. Ah, uh, अभी uh, अभी होता ये तापसी पन्नू की फिल्म भी अभी रिलीज हुई नाम शबाना और आपके साथ एक और रिलीज हो रही है नूर तो लगता है इस साल क्या सब लेडीज लोगों ने धावा बोलने का मतलब आई थिंक बहुत ही प्रोग्रेसिव स्टेप है ना यू कैन सी द फिल्म इंडस्ट्री एटलीस्ट गोइंग टूवर्ड्स स्टेप वेयर वी विमेन आर कमिंग आउट ऑन आवर ओन एंड आई थिंक इंडस्ट्री इज आल्सो ऑल्सो इट्स होराइजंस दैट टुडे वी सी वेरी फिल्म्स वेरी रोल्स फॉर विमेन आल्सो टू डू सो आई थिंक फॉर दिस आई शुड कांग्रेचुलेट द इंडस्ट्री एब्सुलूटली मतलब हर फिल्म में ये दिखाया गया है कि पुलिस कुछ नहीं करे कानून नहीं करे तो खुद ही बंदूक उठा लो तो मतलब रियल लाइफ कौन सी उम्र से पिक्चरें देख रहे हो <laughs> 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 नहीं मैंने देखी नहीं है हाँ. लेकिन हम मर्डर्स की बात नहीं कर रहे हैं इस फिल्म में and, uh, honestly, मैंने फिल्म नहीं देखी है तो आई रियली कॉन्ट कॉमेंट ऑन इट बट आई हर्ड परफॉर्मेंस एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ फिल्म लाइक दिस एट दिस स्टेज ऑफ आर इंडस्ट्री आई एम वेरी प्राउड मैं तो बोलती हूँ हर हफ्ते निकलनी चाहिए एक औरतों के ऊपर रवीना या यू बीन टोटली इन्वॉल्व इन दी यू नो लाइक कैरेक्टर दैट यू प्लेड मतलब वो नज़र आ रहा है एंड आई मीन ऑफ इट वाज वेरी कन्विंसिंग एंड ऑथेंटिक कैन यू शेयर एज टू इवन आफ्टर पैकअप आई मीन वॉज देट समइंड ऑफ अग ओवर दैट यू हैड ऑफ द कैरेक्टर बिकॉज यू नो दर्फॉर्मेंस इज सो इंटेंस एंड सेंसिटिव यू नो चैतन्य द व लॉर्ड ऑफ सीन्स दैट आई वाज ड्रेडिंग टू शूट बिकॉज जब मुझे स्क्रिप्ट ही नरेट हुई तो आई वाज इन टर्स एंड जब यू नो ये फिल्म शूट हुई तो ऐसे काफी यूल यू लगरी विद मी ऐसे सीन्स थे जो मतलब हिला देने वाली बात थी शूटिंग तो खत्म हो गई शूटिंग करते दौरान जब सीन्स ख़त्म करके वापस जाते थे बिलीव मी एट फॉर फोर फाइव नाइट्स तो आई डेंट स्लीप आई वॉज वर्किंग लाइक अ जोम्बी लाइक अ रोबोट आई वुड वेकअप इन द मॉर्निंग कम बैक एंड से मैं एक घंटा भी नहीं सोई यू नो एंड वी वुड शूट बिकॉज द थाट ऑफ डूइंग दिस ओनली वॉज सो डिस्टर्बिंग एंड टू सी समथिंग लाइक दिस इज सो डिस्टर्बिंग मैं मैंने जब ये फिल्म खत्म की एंड हम लोग ने सब सिंक साउंड किया अनफॉर्चुनेटली वॉट ए वॉज ड्रेडिंग वो ही हुआ कि इन्होंने कहा डबिंग कीजिए आप उस सीन का क्योंकि इतना एक्शन है उस सीन में कि कहीं ना कहीं साउंड क्वालिटी ठीक नहीं है तो वी हैव टू डब फॉर दो सीन्स मैंने बहुत दिन अवॉइड किया मैंने कहा नहीं मेरे से नहीं होगा मुझे एक्चुअली हिम्मत जुटानी पड़ी कि मैं आऊँ और उस सीन को डब करूँ एंड डबिंग के दौरान भी जब आप एक फुल फ्लो में जो आपने एक सीन शूट किया जब आप फुल फ्लो में देखते हैं तो उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर गिरता है एंड आई कूडन स्टॉप क्राइंग इट टुक मी लॉन्ग So our sound recorder is also here. Our sound people are also here, and he'll tell you hi. Raise your hand up. Introduce him. Hemant. 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 So yeah. So Hemant is witness to that. That I just could not stop crying. ऐसे मतलब हेमंत बोला था मैम शॉर्ट okay मतलब take okay यार चुप रहे यार नहीं ऐसे नहीं बोला लेकिन this is a joke लेकिन एक्चुअली बट इट इट वॉज इट वॉज़ नॉट ई ई ईजी टू वॉच एंड आई थिंक दैट इज़ द मैसेज जो हम लोगों को देना चाह रहे हैं कि जब हम ख़ुद यहाँ बैठे बैठे ऐसी चीज़ फिल्म पर नहीं देख सकते हैं तो आप उन फैमिलीज़ की सोचिए जो इन हादसों से गुज़र रहे हैं या उन औरतों के बारे में सोचिए जो इन हादसों से गुजरी हैं हमने तो निर्भया केस के बारे में तो पेपरों में पढ़ा लेकिन कभी ऐसे सोचा भी था कि एक इंसान एक दूसरे इंसान को इस हद सक हद तक ऐसी ब्रूटैलिटी कर सकता है ये कभी जहन में भी नहीं आया होगा किसी पिक्चर में भी नहीं देखा होगा और सेंसर बोर्ड ने काटा भी नहीं होगा लेकिन ये असलियत में हुआ मैं उनकी मदर को मिली थी आशा देवी जी को हम लोग ने एक सेव विमेन फाउंडेशन से हम लोग हाथ जुड़े हुए हैं इस फिल्म की पहली जो हमने स्टार्ट ऑफ की उसके साथ की उस फाउंडेशन के साथ एंड uh, उन्होंने उनको इनवाइट किया था और काफ़ी कुछ uh, दिल्ली के प्रमिनेंट सिटीजन्स थे एंड uh, उन वो जो विक्टिम है उनकी जो मदर हैं उनके आंसू तो अब तक नहीं सूखे हैं और शायद ज़िंदगी भर नहीं सूखेंगे तो जब ऐसी चीज़ें हाथ से री, रियल लाइफ में होते हैं और हम लोग जो रियल लाइफ में करके हम लोग से देखा नहीं जाता या हम लोग इतने डिस्टर्ब हो जाते हैं तो आप समझिए ज़िंदगी भर की तो वो सज़ा भुगत ही रहे हैं ना और बाकी तो छूट गए बाकी तो छूट गए जिसने सबसे भयानक क्राइम किया वो तो छूट गया लेकिन ज़िंदगी भर की सज़ा तो उसकी माँ को दे गया ना और वो भी तो बेचारी चली गई सो so, मतलब वही बोलती हैं कि हाँ कैंडल लाइट मार्चेज़ होते हैं ये इनकी ही बात है कैंडल लाइट मार्चेज होते हैं लोग आते हैं चैनल वाले आते हैं पॉलिटिशन स्पीचेस देते हैं उसके बाद क्या पाँचवें दिन पर इट्स बैक टू बिजनेस बात ख़त्म हो गई भूल गए जब तक नेक्स्ट रेप केस आया तो मतलब कि हमारी सोसाइटी में क्या डर ही नहीं है लॉ के लिए सो दैट इज दैट इज़ द फीलिंग दैट वी गेट कि जब हम फिल्म पे ऐसे हमारी हालत हो रही है तो जो रियल लाइफ में लोगों के कभी हमने सोचा है उनके बारे में आ, रवीना आ, आपसे सवाल है कि आपका आपकी मम्मी के साथ क्या कैसा रहा है और आपकी ज़िंदगी में वो कौन सी महिलाएं है रही हैं जो काफ़ी इम्पैक्ट आप पे स्ट्रॉग वीमेन रहा एक ये सवाल और दूसरा ये कि श्री देवी की फिल्म से बहुत कंपैरिजन हो रहा है तो उसको लेके आप, आप मैं कौन सा पहले जवाब <laughs> जो दोनों मेरे दिमाग में तैयार है <laughs> 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 पहले तो मैं श्री जी के बारे में बोलूंगी शी इज मच माई सीनियर आई रिस्पेक्ट हर अलॉड आई ऑलवेज बीन द बिगेस्ट फैन ऑफ ऑफर एंड आई एम प्राउड मतलब आप अगर इंडस्ट्री में देखेंगे तो अगर जो रिलीज रिलीज होती हैं तो आप दस लव स्टोरीज देख लेती हैं लेकिन टुडे तो आई एम प्राउड कि ऐसे टॉपिक्स पे चाहे वो पिंक हो या मॉम हो या मात्र हो माँ के बहुत रूप होते हैं मात्र भी होता है और मॉम भी होता है एंड आई एम वेरी प्राउड टू से दैट आई इंडस्ट्री इज मेकिंग दीज फिल्म टूडे आई विल सपोर्ट हर इन एवरी एवरी वे एंड आई एम प्राउड कि ऐसी मैसेज वाली पिक्चरें और बने मैं बोलती हूँ दो ही क्यों इन अर देर शुड बी मैनी मैनी मोर so there is no uh, comparison. i feel a message like this should be given at least six months in a year to wake up people in every format. Yeah, that's what i feel. I'm, I'm very proud of the fact that these films are being. Made. i'm proud of my industry. you know, and the fact that just apnika, what is my uh, relationship with my mom? i think it's very, very important to have a stable family and an upbringing. chaitanya has me met, uh, uh, i think, also worked with my dad. And uh, I think they've been my backbone. Uh, they've been there to pick me up when I fell, um, and that is what a mother does. She picks you up and makes you walk again. Uh, hi, uh, this is Arundhati. Hi, hi, hi. hi. Uh, you know, uh, the trailer is very interesting, but there, uh, there is one dialogue uh, that says, "Kabhi-kabhi uh, andar ke Ram ko jagana padta Is that a way of celebrating gender equality in this film? I didn't understand your question there is a dialogue in this film that says that kabhi kabhi jagana it's a metaphor so uh, so you think when we are talking about ram are we saying that you know uh, we we need that 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 power that we get it from a man like that manly power that we need to 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 protect ourselves you know, I think um, this is taking it a little too far because I don't think anyone thought of this while doing this, but everyone has become so sensitive about everything. I don't think anyone can make a Santa Banta joke also anymore <laughs> until there are 10 things thought behind it. Uh, no, that was not our thought, honestly. <laughs> that was not our thought. But uh, like I say, every woman has an inner Shakti within herself. If you've read any of my earlier interviews, you will always know that the fact that we women are capable of almost everything uh, we women come from a country that worshipped kali worshipped chandi worshipped durga worshipped lakshmi worshipped saraswati the every roop and form of a woman and somewhere every woman in india has that in her it's in her to bring out that shakti which shakti she chooses to be at what time so this is just a metaphor used in the film रवीना जी ऑन योर लेफ्ट हमने सुना है कि टी में आप अपनी फिल्म को प्रमोट नहीं करना चाहती कोई खास वजह अगर आप बता यू नो मैं एक्चुअली न्यूयॉर्क में थी एंड आई वॉज टक इन द मिडल ऑफ अ स्नो ब्लिजर्ड तो थैंकफुल मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा था हेड टू डेज ऑफ कम्प्लीट पीस बट जब मैं वापस आई आई थिंक इट वॉज़ अ डिसीजन मेड बाई द होल टीम एंड आई वॉज टोल्ड दैट दिस इज द डिसन दैट हैज बीन मेड and uh, what obviously the producers and the whole team of uh, the film wants i will abide by that uh, Ravina, I want to ask you one question. Uh, you spoke about censor board. So, have you guys faced any issue because you uh, are uh, telling almost a true story in the film? So, ha have you faced any problem? And um, the second question uh, I want to ask you is that your film is gonna clash with another film. So, uh, and nowadays it's become a trend yeah, she in asked the. Asked me about no Redners,

Uh, yeah, it is difficult nowadays to get a proper viewership for a film because 3-4 films are coming together. In fact, I was just talking to Anupama uh, Chopra and she was telling me that there are about 7-8 uh, films releasing this very weekend. So, you know, everyone's going nuts, going for press shows and here and there and uh, uh, I, I think uh, uh, that is becoming an issue because everyone wants a good date and a proper release for their film because when you get a proper release definitely you get more viewership and you know your message goes across neto so everyone's cutting into everyone's business actually you know but uh, honestly our film is not about business our film and i can say for all these three boys sitting here as well are you happy i called your boys okay <laughs> well these three men sitting here as well uh, here we are not talking about gender equality or, or, or gender biases at all. like i said, i think we women also, to a certain degree, hold a certain responsibility in educating our sons and our, our brothers and, our, and the men of our family and taking up a strong stand. Uh, these, these, these guys have also felt very, very strongly about the message that the film uh, you know, shows. so that was the intention uh, behind making of this film. Uh, we also know that a lot of realistic cinema does not get the kind of approach that regular box office uh, films do. We are ready to face that as long as our message goes across. So we are fine with that. Um, you would ask me one more question okay. before sensor then. board The sensor board, as far as the sensor board goes, uh, you know it's very easy to stand up and say sensor board our sensor board aisa, sensor board. Aisa. This has been happening since decades.. बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं माई हजबेंड अ डिस्ट्रीब्यूटर सो आई नो हाउ मनी फिल्म एंड हाउ मच ही एक्चुअली यू नो फाइट्स अगेन सो कॉल्ड सो मेनी वेरियस हु आर प्रोटेस्टिंग और टेकिंग ऑब्जेक्शन ओवर वन लाइन और वन वर्ड और एवरी थिंग एवरी मन बिकम सो सेंसिटिव बट द प्लस पॉइंट हैज बीन दैट दे हैव ऑल्सो बिलीवड इन दिस फिल्म एंड दे ऑल्सो डू बिलीव दैट्स अ पॉजिटिव फीडबैक दैट वीव गॉट दैट दे बिलीव इन द मैसेज ऑफ द फिल्म But unfortunately, according to their guidelines, there are a few things that we can show and we can't. You know, we as makers and and as the part and me as part of the team do believe that until and unless you're, you know, only sugarcoating things and giving it to the public, public will always remain indifferent. Attitude, badlega hi Jab tak a brutality, nahin, this is what happens. Do you know? So it's not only neighbour ki, neighbor ki ke saath ho gaya. You realize that this is the dangerous world that is happening and just Letting go and being indifferent about it is not going to change people's attitudes. So the fact is that they're also in a catch-22 situation. And uh, uh, I, uh, I mean, for example, I don't know whether how many of you all know that there was a, a court case just now in Chennai that happened that a girl eloped with her boyfriend. It's in the papers in Chennai. You all can all, you know, look for, search for it. And uh, the uh, Chennai High Court called the censor board.

दो चीज़ें पूछना चाहती हूँ सबसे पहली चीज़ तो ये कि हम लोग पिछले आधे घंटे से रवीना की बातें सुन रहे हैं वी आर ऑल लाइक यू नो इन ऑफ हर मेसमराइज बाई मॉरिस्त सिंह रेडियो जॉकी के पेट पर पे लात मारने के लिए तैयार बैठी है आप मुझे लग रहा है वो यू इंटीमिडेटेड विद यू नो अ वुमन सो स्ट्रोंग ऑन यू नो यू नो यू शूटिंग एंड कैमरा पे ऐसा देख करके कि स्टोरी ऐसा है वुमन इतनी स्ट्रॉन्ग है एवरी थिंग बींग देर वो यू इंटीमिडेटेड एवर की ओ माई गॉड